हमारी गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील इधर लेफ्ट साइड पे होता है या तो राइट right साइड पे होता है डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द रोड वी आर ड्राइविंग ऑन लाइक फॉर एग्जांपल यूएस कनाडा या दुबई में स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पे दिया जाता है वाई हियर इन इंडिया वी हैव द स्टीयरिंग व्हील ऑन द राइट साइड इसे हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन वॉड इफ एट टेल यू वी कैन शिफ्ट द स्टीयरिंग व्हील ऑन इधर साइड विदाउट इवन रिमूविंग एनी कंपोनेंट्स सो माई नेम इज पूर्वांग मंदिर वेलकम बैक टू माई चैनल और आज के वीडियो में हम वल्वो के शिफ्टेबल स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करेंगे रोल द इंट्रो फ्यू वीक्स अगो वल्वो ने एक पेटेंट फाइल किया दैट पेटेंट वॉज टाइटल्ड एज व्हीकल हैविंग मल्टीपल ड्राइविंग पोजिशन और इस पेटेंट में वल्वो ने यह बताया है कि हाउ दे आर शिफ्टिंग द स्टियरिंग व्हील ऑन इधर साइड सो बिफोर लुकिंग इन टू दिस हाउ वल्वो इज शिफ्टिंग द स्टीयरिंग व्हील लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द स्टियरिंग सिस्टम सो हमारे गाड़ियों के स्टियरिंग सिस्टम का काम होता है व्हीकल को गाइड करना इन द रिक्वायर डिगेक्शन दिस कैन बी डन बाई रोटेटिंग द स्टीरिंग व्हील विच इंटर्न रोटेट द फ्रंट व्हील लेकिन कैसे एकदम सरल भाषा में स्टीयरिंग व्हील को एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसके दूसरे एंड पे एक छोटा सा पिनियन गियर दिया जाता है दिस पिनियन गियर इज इन मैश विद द द रैक रैक एंड इज कनेक्टेड विद द फ्रंट व्हील्स सो जब भी हम स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करेंगे इट विल रोटेट द पिनियन गियर एंड एज दिस पिनियन गियर इज इन मैश विद द रैक इट विल मूव द रैक लीनियरली जो फ्रंट व्हील्स को रोटेट करेगा अबाउट द स्टीयरिंग एक्सिस नाउ दिस इज द सिंपल स्टीयरिंग सिस्टम जो पुरानी गाड़ियों में कॉमन थी अभी के गाड़ियों में तो पावर स्टेयरिंग दिया जाता है एज स्टैंडर्ड पावर स्टेयरिंग में भी यूजली रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म ही यूज होता है लेकिन ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स और हाइड्रोलिक्स की मदद ली जाती है अब हम पावर स्टेयरिंग के बारे में डीप में तो नहीं जानेंगे लेकिन उसके एक सेफ्टी एस्पेक्ट पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे पावर स्टीयरिंग यूजुअली ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है एट लो स्पीड्स एंड एज द व्हीकल स्पीड इंक्रीजेस पावर स्टेयरिंग कट्स ऑफ

so the power steering cuts off after a certain speed is attained by the vehicle and this brings us to the volvo shiftable steering wheel now before looking into the volvo shiftable steering wheel i would like to clear something out based on what they are claiming i feel this is still a concept but it is achievable so what is volvo claiming in their shiftable steering wheel the steering wheel is mounted on a horizontal track images says that the track is connected with the dashboard और इस ट्रैक पे स्टीयरिंग व्हील और उसकी पूरी असेंबली माउंट होगी एंड दिस ट्रैक विल अलाउ द स्टीयरिंग व्हील टू स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट लेकिन व्हाट अबाउट द मैकेनिकल लिंकेजेस दैट विल कनेक्ट द स्टीयरिंग व्हील टू द फ्रंट व्हील्स सो इस कॉन्सेप्ट में एक भी मैकेनिकल लिंकेजेस कनेक्ट नहीं होंगी बिटवीन द स्टीयरिंग व्हील एंड द फ्रंट व्हील्स देन हाउ विल द स्टीयरिंग व्हील टर्न द फ्रंट व्हील्स इलेक्ट्रॉनिकली यस इलेक्ट्रॉनिकली जिसे हम ड्राइव बाय वायर भी कह सकते हैं सो दिस ड्राइव बाय वायर कंसिस्ट ऑफ समलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल अब स्टीयरिंग व्हील में जायरोस्कोपिक सेंसर दिया गया होगा विच विल सेंस द रोटेशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड सेंड दिस सिग्नल टू द ईसीयू। ईसीयू इस डेटा के बेसिस पे सर्वो मोटर को वोल्टेज सप्लाई करेगा विच विल टर्न द पिनियन गियर एंड इवेंचुअली टर्न द फ्रंट व्हील्स यहाँ मैंने जायरोस्कोपिक सेंसर को अज्यूम किया है उसके जगह पर कोई और सेंसर भी यूज कर सकते हैं इसी तरह साइड इंडिकेटर्स हेडलाइट वाइपर मोटर और स्टीयरिंग पे दिए गए हर बटन भी वर्क कर सकते हैं बट वॉट अबाउट द एक्सेलेटर एंड द ब्रेक पैडल सो एक्सेलेटर और ब्रेक पैडल के लिए वल्वो ने अपने पेटेंट में एक सोल्यूशन दिया है दे आर थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेशर स्विच इज इन द फ्लोर मैट वन फॉर एक्सेलरेशन एंड अदर फॉर ब्रेकिंग विच आई फील इज बिट अनरिलायबल लेकिन जिस तरह स्टीयरिंग व्हील को हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे माउंट किया है उसी तरह थ्रॉटल और ब्रेक पेडल को भी हम एक अलग से ट्रैक पे माउंट कर सकते हैं एंड थ्रॉटल बाय वायर एंड ब्रेक बाय वायर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एफ वाई आई थ्रॉटल बाय वायर हमारी गाड़ियों में कॉमन हो चुका है और ब्रेक बाय वायर ऑडी ने अपने ई e ट्रॉन में इंट्रोड्यूस कर दिया है बट आई फील देर इज वन स्मॉल इशू विद दिस शिफ्टेबल स्टीयरिंग व्हील व्हाट अबाउट द ग्लो कंपार्टमेंट और द स्टोरेज कंपार्टमेंट इन द डैशबोर्ड आई एम जस्ट किडिंग डैशबोर्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट इज नॉट मच ऑफ अ बिग डील लेकिन वॉट आई फील कैन बी एन इश्यू इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टीरिंग व्हील एट हाई स्पीड जिस तरह पावर स्टीरिंग हाई स्पीड पर कट ऑफ हो जाता है फॉर सेफ्टी रीजन इस सिस्टम में वैसा कोई कट ऑफ तो हम नहीं कर सकते द स्टीरिंग व्हील वुड फील लाइट ड्यूरिंग द लो स्पीड्स एंड डूरिंग द हाई स्पीड्स देर वोल्ड भी एनी टाइप ऑफ फीडबैक और रेजिस्टेंस विच आई फील नीड्स टू बी टेकन इंटू अकाउंट and that's it for today's video leave your queries and suggestions in the comment section below make sure to hit the like button if you like this video or hit the dislike button if you didn't like this video don't forget to subscribe to my channel if you want to see more such videos finally wear your helmets while riding seatbelts while driving this is Purvang mudri signing off see you on next thursday hopefully at 7.30 pm peace